ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾਏ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ 2022 ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਚ ਉਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਗ ਸ਼ਾਟ ਖੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਗ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੜਨ? बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। तुहानू चेते करा दिए कि गिद्दड़बाहा कैसा इलाका है जिथों प्रकाश सिंह बादल ने सियासत शुरू की थी। भाव के गिद्दड़बाहा अकालियों का हमेशा तो गढ़ रहा है पर पिछले काफ़ी लंबे समय तो करीब तीन टर्मा तो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने जिहड़े इस तों जितदे आ रहे ने हुण कित ना कित जाके वड़िंग के लुधियाने जाने तो बाद गिद्दड़बाहा इलाका जरूर खाली होया है। तो करके वर्कर भी यही डिमांड करते हैं। कल किसी छोटा जिहा प्रोग्राम रखा से उत्थे एक वर्कर ने जो सुखबीर सिंह बादल ने इन चोणों की तैयारी में लेकर पूछा कि विधानसभा जी जिमनी चोणा होनी ने तैयारियां की ने तो वर्कर ने कह दिता कि तुम खुद मैदान के आ जाओ भाव के तुम गिद्दड़बाहा तो खुद चोण लड़ो। तो करके सुखबीर सिंह बादल के चोण लड़दियां चर्चावं वर्करां दे विच तेज ने। वर्कर यही कहते हैं कि खुद जे बादल फैमिली का कोई बंदा इतने आता है तो वो जित होनी संभाविक है। तुहानू याद करवा दईए इस तों पहला अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग तो पहला मनप्रीत सिंह बादल से जिहड़े लंबा समा इतों विधायक रहे खजाना मंत्री भी रहे तो करके बादलों का गढ़ के तौर पर गिद्दड़बाहा नूं जाणिया जांदा। चर्चावां तो यह भी ने कि मनप्रीत सिंह बादल भी इतों चोण लड़ सकते हैं। हालांकि यह देखना दिलचस्प रहेगा कि मनप्रीत सिंह बादल भाजपा वालियों चोण लड़ते हैं जां मुड़ वापसी दीआं चर्चावां जिहड़ियां होंदियां सी अकाली दल दे विच मनप्रीत सिंह बादल दीआं जां अकाली दल वालियों लड़ते हैं जां फिर इन्हां दा समझौता अकाली दल ते भाजपा का होंदा सांझे उम्मीदवार दे तौर पर मनप्रीत सिंह बादल चोण लड़ सकते हैं। तां करके चर्चावां यही ने कि गिद्दड़बाहा की मांग डोर है जी बादलों के हवाले होएगी चाहे वह बादल मनप्रीत सिंह बादल होन चाहे सुखबीर सिंह बादल होन। तां करके लोग यही डिमांड करते हैं कि सुखबीर सिंह बादल खुद इतने चोण मैदान के आ जी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सूरज सानू तमाम जानकारी देने लिए। अकाली दल के वर्कर्स के वालों अपील की गई है सुखबीर सिंह बादल गिद्दड़बाहा जो कि विधानसभा जिथों विधायक रहे थे पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग वो खाली हो गए तो सुखबीर सिंह बादल उत्थों चोण लड़न। राजा वड़िंग के एमपी बनने के नाल आ गिद्दड़बाहा सीट खाली हो गई है बीजेपी तो। मनप्रीत सिंह बादल के जिमनी चोण लड़न दियां भी चर्चावां काफ़ी जोरां शोरां ते ने। दस के सुखबीर सिंह बादल लगातार बठिंडा के धनवादी दौरे पर ने। बठिंडा सीट से जित लई वर्कर्स का धनवाद उन्होंने वालों किया जा रहा है। इस दौरे पर ही वर्कर्स ने सुखबीर सिंह बादल नूं अपील की है कि गिद्दड़बाहा विधानसभा हल्के तो उन्होंने वालों ऑन दी असेंबली इलेक्शन बाय इलेक्शन चोण लड़ी जाए। गल करांगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी लोकसभा च विरोधी धिर दे लीडर बनगे यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनगे। दस दे कि संसदी दल की बैठक तो पहला कांग्रेस एमपी प्रमोद तिवारी दे वल्लों वड्डा बयान एक वड्डी स्टेटमेंट दित्ती गई है। इस विचारे राहुल गांधी नूं बनना चाहिदा है लोकसभा च विरोधी धिर दा नेता। प्रमोद तिवारी दे वल्लों आम मंग चक्की गई है वड्डा बयान दित्ता गया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल पांच बार सांसद बन चुके ने। कांग्रेस की संसदी दल की बैठक च कई सांसद आ मुद्दा चुकणगे ते शाम 5:30 बजे दस कि कांग्रेस की संसदी दल की अज बैठक होन जा रही है यानी कि इंडिया गठजोड़ की बैठक शाम नूं होन जा रही है। उस तो पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। इस विचाले मांग उठाई जा रही है कि राहुल गांधी नूं लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जाए। दस कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रैंक इक्वलेंट टू कैबिनेट रैंक हुंदा है। 2022 च जो कांग्रेस पार्टी के वालों नमोशी पूर्वक जो परफॉर्मेंस की गई सी महज 44 सीटा ही हासिल हुई सी। उस तो बाद 2019 भी महज 52 सीटा ही हासिल हुई सी। हुण जे असीं 2024 लोक सभा चोणां की गल करिए इस बार 99 सीटा इकली कांग्रेस के वालों हासिल हुई सी। संसदी दल की बैठक तो पहला कांग्रेस एमपी प्रमोद तिवारी वालों एक वड्डा बयान एक वड्डी स्टेटमेंट दी गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नूं लोक सभा च विरोधी धिर दा नेता यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना चाहिए। प्रमोद तिवारी जी सीधा सवाल है क्या राहुल गांधी को इस बार नेता विपक्ष का पद लोकसभा में लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए क्योंकि 5 बार वो हो चुके हैं लोकसभा के सदस्य तो वरिष्ठता भी है उनकी सर्वाधिक। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो एक आक्रामक शैली आई है उनके अंदर
वो सीधा व्यवहार करते हैं, निर्भीक होकर करते हैं, निडर होकर करते हैं और टू द पॉइंट करते हैं। चाहे आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, चाहे चुनाव के भाषण देख लें, ऐसे ही नेता की ज़रूरत होती है सदन के अंदर, जो सत्ता पक्ष की कमजोरियों पर सीधा प्रहार कर सके, निडर होकर कर सके। और वो गुण अगर सबसे ज्यादा किसी में तो राहुल गांधी। डिमांड करेंगे कि राहुल गांधी को बना दिया आज की बैठक में? निश्चित रूप से मैं तो करूँ। सहयोगी पंकज कपाही फोन लाइन से जुड़े ने। पंकज, मांग उठ रही है कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जाए। देखो, जिहड़ी गांधी परिवार की विरासत है, जिहड़ी पंडित जवाहर लाल नेहरू तो चल रही है, उस तो बाद इंदिरा गांधी ने संभाली, इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री भी बने और फिर यह विरासत राजीव गांधी होरां ने संभाली और उस तो बाद विरासत जिहड़ी है सोनिया गांधी ने संभाली। सोनिया गांधी तो बाद कांग्रेस जिहड़ी है वो काफी ज्यादा पिछले 10 साल च जिहड़े उथल पुथल देखण नूं मिले, उतार चढ़ाव देखण नूं मिले। और राहुल गांधी ने पिछले अगर 2-3 साल की गल की जाए तो अपनी इमेज बेहद सुधारी है, जिथे राहुल गांधी नूं पहला पप्पू नाम तो भी कहा जाता सीगा, जिहड़ा उन्हां दा मजाक उड़ाया जाता सीगा, लेकिन पिछले 1 साल च भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी इमेज अजिही बनाई है कि जिहड़ी सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल टाकरा कर सके। हुण पहला असीं देखिया सीगा अधीर रंजन चौधरी जिहड़े ने पिछली बार लोक सभा दे विच विरोधी धिर दे आगू बनाए सीगे, लेकिन बंगाली होण दे नाते उन्हां दी भाषा दे विच कई शब्द अजिहे फस जांदे सीगे जिस दे नाल कॉन्ट्रोवर्सी हो जांदी सीगी और कई बार जिहड़ा वा कांग्रेस दे लई मुश्किलां वध जांदियां सीगियां। अधीर रंजन चौधरी इस बार हार चुके ने, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तो बाद एक वड्डा चेहरा उभर के सामने आए ने और हुण कांग्रेस च यह मंग उठनी शुरू हो गई है कि राहुल गांधी के मोढ़ियां दे उत्ते एक वड्डी जिम्मेवारी दी जाए, जो सीधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टाकरा जिहड़ा वा पार्लीमेंट दे विच लोक सभा दे विच कर सके। तो अज सोर्सिस जानकारी दे रहे हैं कि विरोधी धिर का आगू जिहड़ा वा राहुल गांधी नूं कांग्रेस दे वल्लों चुनिया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस का जिहड़ा संविधान है, संविधान के मुताबिक पार्लीमेंट के राज्यसभा ते लोक सभा के जिहड़े मैंबर हुंदे ने वो तय करते हैं कि विरोधी धिर दे आगू किसनूं बनाया जाए, नाम जिहड़ा अगे रख्या जांदा वा वेणुगोपाल या किसी होर मैंबर पार्लीमेंट के वल्लों, नाम जिहड़ा राहुल गांधी का अगे रख्या जा सकता है और उस तों बाद सारिया ने हत्थ खड़े करके राहुल गांधी की हिमायत जिहड़ी उह कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सानू तमाम जानकारी देने लई। ते शाम नू इंडिया ब्लॉक दी बैठक है, वेखना होएगा कि कुछ सहमति इंडिया ब्लॉक च बनदी है। हालांकि मांग की जा रही है कि राहुल गांधी नू लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा च बनाया जाए। प्रमोद तिवारी जी, सीधा सवाल है, क्या राहुल गांधी को इस बार नेता विपक्ष का पद लोकसभा में लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि 5 बार वो हो चुके हैं लोकसभा के सदस्य, तो वरिष्ठता भी है उनकी सर्वाधिक। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो एक आक्रामक शैली आई है उनके अंदर, वो सीधा व्यवहार करते हैं, निर्भीक होकर करते हैं, निडर होकर करते हैं और टू द पॉइंट करते हैं। चाहे आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, चाहे चुनाव के भाषण देख लें, ऐसे ही नेता की ज़रूरत होती है सदन के अंदर, जो सत्ता पक्ष की कमजोरियों पर सीधा प्रहार कर सके, निडर होकर कर सके। और वो गुण अगर सबसे ज्यादा किसी में तो राहुल गांधी। डिमांड करेंगे कि राहुल गांधी को बना दिया आज की बैठक में? निश्चित रूप से मैं तो